शुक्रिया साथी कमेंटर राज चौहान सर, एक अच्छी कमेंट्री सुनने को मिल रही है। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर किया है हमारे आयोजक कमेटी की ओर से। मैं कमेंटर अकीब शेख धर्मपुर से बिलोंग करता हूँ। टॉस जीता था यहाँ पर माफिया लायंस ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एसके लायंस को पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है। एसके लायंस जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है शाबाज कादरी और सफान, और माफिया लायंस जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है तनवीर शेख, फैजल और रमेश राजा। जिम खाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के जरिए। हमारे दोनों कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए, हमारे ऑपरेटर प्रशांत हमारे साथ कॉम बॉक्स में उपस्थित है। क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग की जा रही है कमलेश की ओर से, और साउंड सिस्टम डीजे किंग सिस्टम हिला देने वाला। पारी का ये प्रारंभिक ओवर पहनन एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी वारिस शेख ने संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील मांगरोड़े। पहले ओवर की पहली गेंद इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद डाउन द लेग, फाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन के साथ यहां पर आगाज किया है। वीआईपी डाइस के ऊपर देख सकते हैं आप काफी बढ़िया हस्ती उपस्थित है, फहद बहनान, रमेश शेख, सद्दम भाई, रमेश भाई, सज्जाद भाई, आसिफ भाई, तखत सिंह पांजरोलिया। अच्छा थ्रो अपने बॉलर थ्रो में वहां पर थ्रो करने का प्रयास जरूर किया गया था। वारिस की ओर से गेंद को फील किया जाए, वाइट इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन, फील्डर और कप्तान मंथन भट्ट की ओर से। तब तक एक के साथ स्कोर यहां पर अपना अकाउंट शुरू किया है बल्लेबाज सुनील ने। एसके लायंस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। सर्कल पावर प्ले जारी, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। हितेश आहिर के लिए डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू बद्री और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर मंथन भट्ट, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन खुला छोड़कर रखा। बल्ले का अधरोड़ हिस्सा लिया या सा विकेट कीपर का सहारा मिला, वारिस को मिलने वाली पहली सफलता पारी के ये प्रारंभिक ओवर में। हितेश को यहां पर जाना होगा पवेलियन की ओर, गोल्डन डक्का शिकार हुए, बिना खाता खोले चल पड़े अपने डगआउट की ओर बल्लेबाज। और किरण की ओर से बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपिंग के ऊपर। डीजे मॉन्स्टर जिसके फ्रेंचाइजी ओनर देव, नए बल्लेबाज के रूप में अभय ने प्रस्थान किया है। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, शॉर्ट थर्मेंट शॉर्ट फाइन लेग 30 yard सर्कल के अंदर है बल्लेबाज अभय के लिए, मिड ऑन और मिड ऑफ 30 yard सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर 30 yard सर्कल के अंदर बल्लेबाज अभय के लिए। जड़ वाली गेंद डाउन द ग्राउंड जमीन के समांतर स्टोको खेला, गेंद को फील किया जाए मिड ऑफ के ऊपर जाकर संतोष चौहान की ओर से थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज का ये मुकाबला चलता हुआ एसके लायंस और माफिया लायंस के बीच में, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार। बहनान एड की ओर से वारिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा गिराया था सीधे बल्ले से, वहां पर हैदराबादी लक्ष्मण के स्टाइल में सम्मान दिया। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी रन संख्या 3 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्ला चलाया जरूर इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से तीर के समान सीधा स्ट्रोक, फील्डर देना था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद गेंद फील होती, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्वालिटी रनिंग दोनों बल्लेबाज के बीच। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
बल्ले से मधुर आवाज जरूर आई थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर वन बाउंस के बाद गेंद टप्पा खाने के बाद उछल कर गई सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और राइस कादरी वीआईपी डायस के ऊपर के साथ रशीद पठान वॉलीबॉल के अंपायर। पहला ओवर समाप्त हुआ है, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस। अब दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम हैंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी लालू बद्री, अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से पारी का ये दूसरा ओवर। कट स्ट्रोक खेला बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ डबल अंकों में स्कोर आगे बढ़ेगा एसके लायंस का 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ, 30 यार्ड सर्कल के अंदर अगर बात की जाए तो ऑफ साइड के ऊपर पॉइंट के ऊपर फिरोज सैयद फील्डिंग कर रहे हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर, उनके ठीक बाजू में साहिल एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर, संतोष शॉट थर्डमैन के ऊपर, हुजैफा और गली के ऊपर जावेद। बल्ले का ऊपरी हिस्सा फील्डर तैनात है, वन बाउंस के बाद गेंद को फील किया जाए, लाउड अपील जरूर की गई थी लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाज के बीच। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर, एसके लायंस और माफिया लायंस के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला, आज का पहला दिन धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग। अब स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील, क्लीन बॉल, नजर हटी और दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर, बल्लेबाज मिस हुए, यू मिस आई हिट, विकेट नंबर दूसरा, क्लीन बॉल आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज सुनील। नए बल्लेबाज के रूप में नन ठक्कर ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर, एक अच्छे ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो नन ठक्कर को शामिल किया जाता है फिलहाल आज बल्लेबाजी के ऊपर। एसके लायंस की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लालू बद्री दूर वाले छोर से आते ही बल्ला चलाया डाउन द ग्राउंड, जमीन के समांतर स्ट्रोकों खेला, गेंद जा रही है सीधे वाइड, इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर लालू बद्री दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अभय सामना करने के लिए तैयार। जड़ वाली गेंद अपने ही बॉलर थ्रू में अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर, अभी भी पावर प्ले में दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखा है। हालांकि हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। बल्ला चला या लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, यूज एन आई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। अभय के बल्ले से लगने वाला दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर आया, स्कोर आगे बढ़ेगा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जा पहुंचा है 21 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
फिलहाल 2 ओवर समाप्त हुए और एसके लायंस का स्कोर जा पहुंचा है 21, 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 5वां 2024 जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट। अंपायर की बात की जाए तो 3 क्वालिफाइड अंपायर हमारे बॉम्बे से बिलोंग करने वाले 3 क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया जा रहा है, शाहिद मोमिन सर, हैदर शेख सर और जय पवार सर। यूट्यूब लाइव के ऊपर टेनिस क्रिकेट के ऊपर जाइए और इस टूर्नामेंट का मजा लीजिए। हमारे दोनों कैमरामैन आदित्य और दीपेश और प्रशांत पवार हमारे साथ ऑपरेटर। फिलहाल 3रा ओवर पावर प्ले समाप्त हो जाएगा, फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा। यहां से बल्लेबाज के लिए फील्ड फैला दी गई है और गेंदबाजी के ऊपर वत्सल ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है बहाना ने एंड की ओर से अपने कोटे का 1रा ओवर और टीम की ओर से 3रा ओवर लेकर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन ठक्कर लाउड अपील जरूर की गई थी वहां पर लेकिन नकार दिया। अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज वत्सल अपने कोटे का ये 1रा ओवर। एक अच्छा विकेट बनाया गया है जिसका पूरा श्रेय जाएगा सद्दम भाई और रमीज भाई की ओर। बल्ले का टॉप एज लिया इस बार खुद गेंदबाज आत्मनिर्भर कैच करना चाहते हैं और पहले बार बाउंस हुई थी उसके बाद दूसरे बार सेफ कैच लिया। विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर एसके लायंस के लिए। नान ठक्कर काफी बड़ा विकेट लिया, सेलिब्रेशन देखिए बीच मैदान के ऊपर। कैच आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज नान ठक्कर। लगने वाला 3रा झटका एसके लायंस को और मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज वत्सल को। अभी अभी जो गेंदबाजी ने विकेट लिया उसका 200 रुपया यहाँ पर आ चुका है रमेश राजा की ओर से। बर्थडे बॉय विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नए बल्लेबाज अक्रम को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। मैदान के ऊपर रन बनने चाहिए। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी माफिया लायंस की ओर से। पारी का प्रारंभिक ओवर किया वारिस ने, उसके बाद 2रा ओवर पावर प्ले का किया लालू बद्री ने, 3रा ओवर वत्सल। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। डीप कवर को 30 यार्ड सर्कल के अंदर शामिल किया जा रहा है बल्लेबाज अकरम के लिए और लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फाइन लेग स्क्वेयर लेग वाइड इज लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट। वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जड़ वाली गेंद इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा, अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस। जड़ वाली गेंद सीधे बल्ले से सम्मान दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए वत्सल। शॉर्ट अंप बुल फील्डर तैनात है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अक्रम के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। छह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आते ही जलवा दिखाया बल्लेबाज अक्रम ने। अब लंबी पारी यहां पर साझेदारी चाहिए एसके लायंस को, एक फाइटिंग स्कोर अगर करना है 80 से 90 रन। कट स्ट्रोक खेलना चाहते थे फील्डर तैनात है पॉइंट के ऊपर, गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी वापसी की गई वहां पर गेंदबाज वत्सल की ओर से। अभी भी स्कोर उगा हुआ है 28, 28 रन एसके लायंस और माफिया लायंस के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला। कट स्ट्रोक खेला फील्डर तैनात है वहां पर फिरोज सैयद की ओर से। 30 यार्ड सर्कल के अंदर अच्छी फील्डिंग, गेंद को फील किया जाए तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस।
और माफिया लायंस के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, जिसके ऑर्गेनाइजर की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का अच्छा ऑर्गेनाइजर किया है आसिफ भाई, सज्जाद भाई, मुसेफ भाई बासेदा, फहद भाई बहनान, अरबाज भाई, रईस कादरी, तखसी पांजरोलिया, सद्दम भाई, रमीश भाई, जेकी भाई, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सब्बीर भाई बहनान और अक्रम भाई की ओर से एक अच्छा आयोजन धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसके लायंस का स्कोर रुका हुआ है 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से लालू बद्री स्ट्राइक के ऊपर अभय बल्ले के ऊपर हिस्से पर लिया, टॉपेज जरूर लिया है, वहां पर फील्डर तैनात है जावेद ओबास, चेस जरूर रहा लंबा लेकिन आखिर गेंद वहां पर रेस ने जीत ली, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके लायंस का 32-32 32-32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर चौका आया है, इस ओवर में कुछ रन बनाना चाहेंगे बल्लेबाज हो भाई। पंच स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 32-32 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर एसके लायंस रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, अच्छी विकेट कीपिंग किरण की ओर से, कोई गलती नहीं की, सटीक लेंथ और लाइन के साथ इस पिच गेंदबाजी लालू बद्री की ओर से। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है लेकिन चाबुक शॉट लगाया बल्लेबाज ने, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अभय के बल्ले से लगने वाला ये चौका, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 36 रन एसके लायंस 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, करेक्ट रन रेट की अगर बात की जाए तो 9.5 के औसत से रन बन रहे बीच मैदान के ऊपर, अब प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 78 तक, ये क्रीक हीरोज का मैप दिखा रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे एसके लायंस के बल्लेबाज या 8 ओवर के बाद जरूर पता चलेगा। सीधे बल्ले से वहां पर आधा पोस्ट गेंद चली गई सीधे फील्डर के दस्तानों में, मंथन भट्ट जाकर गेंद को फील कर ले, तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक कसरीय 5 गेंद कर चुके हैं लालू बद्री, अभी तक 21 रन खर्च किए और एक सफलता इस बार हवा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर खुला छोड़कर रखा था बल्लेबाज के लिए, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात मंथन भट्ट कप्तान है, गेंद को फील किया जाए तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर समाप्त हुए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन एसके लायंस 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच वारिस ने संभाल रखी अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है, बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है, मंथन भट्ट खुद आए हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लालू बद्री स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, संतोष और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर साहिल, शॉर्ट थर्ड बैंड 30 यार्ड सर्कल के अंदर रुजेफा, जावेद ओबास फील्डिंग करे गली के ऊपर, पॉइंट के ऊपर भी एक फील्डर तैनात है, एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर भी वत्सल को शामिल किया गया है बहनान एंड की ओर से, वारिस अपने कोटे का दूसरा ओवर। वाइड इस लाइन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा
अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 39 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एसके लायंस। फिलहाल वारिस बहनान एंड की ओर से रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, फील्डर तैनात है पॉइंट के ऊपर, 30 सर्कल के अंदर अच्छी फील्डिंग फिरोज सैयद की ओर से, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 39 रन। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों ही बल्लेबाज को। सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, जमीन के सारे गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद फील होती तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40 रन। गेंदबाजी के ऊपर वारिस लेफ्ट आर्म ओवर, पटकी हुई गेंद थी, इस बार गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, अभी की ओर से लगने वाला ये सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46 46 रन।
72 रन, 7 ओवर 72 रन।
85 करवाना।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी कार्निवल, एक अच्छी टूर्नामेंट DTPL सीजन 5, तो उसमें यहाँ पे अबर आकिब शेख आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले मुकाबले में 84 रन पहले इनिंग में जोड़े गए। अब दूसरे पावर प्ले का ओवर की शुरुआत हो चुकी है, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद। मंथन भट्ट स्ट्राइक के ऊपर अभी भी मौजूद है जीतने के लिए, 85 रन का टारगेट है। अब गेंदबाजी के ऊपर यहाँ से तैयार हितेश आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिर से एक बार सोडाम पोल और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर, 3 गेंद के ऊपर 3 बड़ी हिट आ चुकी है। इस बीच मंथन भट्ट रोकने वालों में से रुकने वाला खिलाड़ी नहीं है, उस प्रकार की बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है एक बेहतरीन तरीके से। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको स्क्वेयर लेग के ऊपर गेंद को भेजा 6 रन के लिए, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन एक विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास करते हुए बहनान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हितेश आहिर। इस बीच हितेश तैयार फिर से थोड़ा सा फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि पावर प्ले फिर से एक बार देखिए 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। देखिए इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड है 5 गेंद के ऊपर 5 सिक्सर तो लगे हैं, अब आज यहां 5वां लगेगा, 6ठा लगेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगाने वाले अगर कोई बल्लेबाज है तो वो है लालू बद्री। अब इस बीच मंथन स्ट्राइक के ऊपर 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लग चुके हैं, और गेंदबाजी के ऊपर बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हितेश आहिर। फुल टॉस गेंद इस बीच सामने खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन वहां से गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए पहली 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर, उसके बाद वाली गेंद के ऊपर चौका, सीधे बल्ले से सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई गेंद, उस प्रकार का माहौल था। देखिए गेंदबाज को भी ऊपर देखना पड़ा। अब हितेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मंथन भट्ट, 36 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। कट कर दिया, देखिए इस बीच कवर की दिशा में जमीन के सहारे नचरों के नीचे शॉट खेला और वहां से चौका बटोरा, चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन बन चुके हैं। अगर पिछले ओवर की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 32 रन जड़े गए। देखिए हमारे क्रिक हीरोज के जो स्कोरर है यहाँ पे कमलेश नायक ने जो ग्राफ बनाया, देखने लायक ग्राफ है। यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, तीसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, चौथी गेंद के ऊपर सिक्सर, पांचवी के ऊपर चौका और छठी के ऊपर चौका, 6 गेंद 32 रन मंथन भट्ट छा गए। इस बीच 550 का स्ट्राइक रेट, 4 सिक्सर 2 चौके और DTPL सीजन 5 जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड धर्मपुर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले मुकाबले में अर्धशतक बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए थे, अब फिर से दूसरे मुकाबले में अगेंस्ट में अच्छी बल्लेबाजी माफिया लाइन की ओर से। ये मुकाबला एसके लाइन और माफिया लाइन के बीच में। आसिफ मेमन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लास्ट ईयर मुझे याद है रजवाड़ी प्रीमियर लीग टोटल 4 टीम बनाकर जो मुकाबला हुआ था वहां पे आसिफ मेमन की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही थी। वो आसिफ मेमन को इस बीच गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया है दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से आसिफ तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बीच अब बैठक शॉर्ट स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में, वहां पे पीछे रिबाउंड लाइन के ऊपर सीधा थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, लेकिन तब तक वहां से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल्पेश ने 1 रन पूरा किया। एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला, इस बीच बैठक शॉट की झलक हमें थोड़ी जरूर देखने को मिली। अगर एसके लायन के ऑनर की बात की जाए तो शहबाज कादरी, सफवान शेख, सफवान अरब यहां से, और माफिया लायन के तनवीर भाई, फैजल भाई, रमीज भाई,
ड्राइव कर दिया इस बीच कवर के ऊपर, गेंद जब तक रोका जाए वहां पे एक रन पूरा कर चुके थे। देखिए थोड़ी सी चहलकदमी, थोड़े आगे जरूर आए थे ऑफ स्टंप की और वहां पे और ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, लेकिन जमीन के सहारे अलंग द ग्राउंड खेला तब तक एक रन, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन जुड़ा। 43 रन एक विकेट के नुकसान के बाद आने वाली यहां से 33 गेंदों के ऊपर 42 चाहिए। देखिए इस बीच टारगेट किया था बैकवर्ड पॉइंट को, लेकिन वहां पे थोड़ा लेट कट जैसा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी आसिफ मेमन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, एक इमर्जिंग नए उभरते हुए सितारे धर्मपुर मुस्लिम समाज की ओर से एक बेहतरीन गेंदबाज। अरिवसी में खेलने का प्रयास किया था, वहां पे उल्टा भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन गेंद रफ्तार के साथ वहां रोका भी जाएगा और रोकने के बाद जब तक थ्रो किया जाए रन एक ही मिलेगा, वैसे दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। एक सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई और 44 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 44 लॉस ऑफ द वन विकेट। थर्ड ओवर प्रोग्रेस श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज आसिफ मेमन। वाइड बॉल दिया जाएगा इस बीच, ऑन साइड के ऊपर थोड़ी सी गेंद रखने का प्रयास किया था और वहां से वाइड करार दिया गया, तो एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी हुई। आगे जरूर आए थे इस बीच, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। देखिए फुलटोस बनाकर खेलने का प्रयास किया था इस बीच, लेकिन वहां पे देखा जाए तो गेंदबाज थोड़े से चौकन्ने, जिन्होंने लेंथ को थोड़ा सा खींचा अपनी ओर और वहां पे बीट कर दिया डॉट गेंद के साथ। आसिफ ने अपने कोटे का दो ओवर खत्म किया, 13 रन दिए एक सफलता। 6.5 की इकोनॉमी के बाद फिर से फील्डिंग के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। आसिफ मेमन कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर रहा उसका। पैंतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर इस बीच फिर से मंथन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कना ठाकुर को शामिल किया गेंदबाजी के ऊपर। कना ठाकुर की अगर बात करें दो ओवर में 11 रन 5 विकेट बेस्ट रिकॉर्ड है उसका। सम्मान दिया इस बीच, वहां पे रन मिलेगा नहीं। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत इस बीच, कना तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाना नोटो एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथे ओवर में शामिल किया है। अभी भी यहां से माफिया लाइन रिक्वायर 14 रन इन 29 बॉल, 20 गेंदों के ऊपर 29 गेंदों के ऊपर 40 रन अभी भी चाहिए। देखिए इस बीच स्काइट खेला, काव कॉर्नर की दिशा में गेंद चली गई सीधी बाउंड लाइन के बाहर। देखिए काव कॉर्नर की भी हिस्ट्री है यहाँ पे, जिस प्रकार से मैंने नेंसल स्कोर की बात की उसी प्रकार से काव कॉर्नर जो फील्डिंग टांस है वो भी क्रिकेट में किस प्रकार से फील्डिंग का नाम वहाँ जुड़ा गया क्रिकेट के साथ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे समय जैसे मिलेगा। वो काव कॉर्नर का जो पर्सन रहता है बहुत ही अहम। फिर से एक बार घुटना टेक और वहां पे जंप किया सिक्सर, देख खिलाड़ी के दायरे से बाहर। और ऐसे मोमेंट यहां देखा जाए तो हमारे जो कैमरामैन है दीपेश धुले और आदित्य कड़व, एक बेहतरीन वर्क हमें देखने को मिलता है। अगर एक और सिक्सर लगेगा तो यह हमारे मामा जी उपस्थित है उसकी ओर से 500 रुपया दिया जाएगा, आसिफ भाई के मामा जी की ओर से।
और इस बीच गेंद हवा में और पीछे खिलाड़ी इंटरेस्टेड है और वहां पे कैच ड्रॉप और गेंद सीधी बाउंड लाइन के पास रन के लिए और इस हाफ सेंचुरी के ऊपर और सिक्सर के ऊपर मामा जी की ओर से 500 आ चुके हैं और रमेश की ओर से भी आएंगे हमारे पास 1000 आएंगे या 500 वो तो आने वाला समय में आपको बता दूंगा लेकिन आएंगे जरूर। मंथन बट की बैक टू बैक दो हाफ सेंचुरी, वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वेल नॉक मंथन बट माफिया लाइन की ओर से बहुत ही बेहतरीन इस बीच। और देखा जाए तो हमारे स्कोरर की तारीफ करूंगा, पहला हाफ सेंचुरी 13 गेंद, दूसरा हाफ सेंचुरी भी 13 गेंद में। देखिए इस बीच घूम के खेला लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए, एक और सिक्सर 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 69 रन बन चुके, फिर से 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर। पिछले ओवर में हितेश आहिर को इसी एंड से 4 सिक्सर लगे थे तो इस बीच कान्हा ठाकुर को भी 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगा चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब पांचवा लगेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। और 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं मंथन बट। अब जब भी स्ट्राइक मिलेगी एक और सिक्सर लगेगा तो 6 गेंद के ऊपर 6 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंथन बट। वो कहते हैं ना यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, इस बीच उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है और हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है, उस प्रकार से लाजवाब बल्लेबाजी। 15 गेंद 64 रन 9 सिक्सर 2 चौके और 425 का स्ट्राइक रेट मंथन बट छा गए। आपके यहां पे रमेश राजा की ओर से 500 और हमारे आसिफ भाई के मामा की ओर से 500 मतलब 1000 मेरे पास आ चुका है तो मैच खत्म होते ही कलेक्ट कर लीजिएगा मंथन बट। और इस बीच सडन पुल और पावरफुल, वहां पे पीछे खिलाड़ी का एक पावरफुल कैच हमें देखने को मिला, शॉट भी पावरफुल था लेकिन गेंद जिस प्रकार से ट्रैवल होनी चाहिए वो ट्रैवल हुई नहीं और बेहतरीन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। इस बीच कल्पेश आउट हुए और वहां पे कल्पेश ने अपनी टीम के लिए 2 रन बनाए और पेवेलियन की ओर रुक कर चुका है। विकेट नंबर इस बीच दूसरा का पतन हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी थी 50 प्लस की दो खिलाड़ी के बीच में, उसके ऊपर ब्रेक लगाया इस बीच वहां से सुनील मांगरोड़े अच्छी गेंदबाजी। जावेद ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में, जावेद ओबास, एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट करियर की शुरुआत हो चुकी है। जावेद अगर सिक्सर लगाएंगे तो मामा जी की ओर से 500 रुपया प्राइस है एक सिक्सर का और जीतने के लिए 10 रन चाहिए। अरिवसी में खेला गया था शॉट इस बीच, यहां पे देखिए 450 वाला शॉट था, ये 500 वाला नहीं था, टप्पा खाने के बाद बाउंड लाइन के बाहर गई और कम से कम 2 फुट की कमी पड़ी। रिवर्स स्वीप में खेला, और इस बीच सिक्सर नासिर मामा की ओर से 500 रुपया जरूर पाए गए बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। जावेद ओबास आप भी आइएगा यहां पे और मंथन बट आप भी आइएगा, आपका पैसा हमारे पास आ चुका है तो प्लीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा शॉट हमें जरूर देखने को मिला और माफिया लायन के दोनों ऑनर खुश, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ पे माफिया लायन के फैजल, रमीज और तनवीर खुश। देखिए दोनों ने दोस्ती किस प्रकार से लगा के रखी हुई है, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और यहाँ से सफलता और विकेट मिली तो वंस अगेन मंथन बट यहाँ मैन ऑफ द मैच, वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।